vegetables and fruits. The main food crops are rice, wheat, maize, pulses, millets, etc. Okay. Now the crops that are mainly for sell in the market, ऐसे crops जो खाने के लिए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेचने के लिए तैयार की जाती हैं, उनको हम कहते हैं कैश क्रॉप। बेटा ये क्वेश्चन भी आएंगे, व्हाट इज फूड क्रॉप एंड व्हाट इज कैश क्रॉप। तो ये बहुत ईजी है बेटा, ऐसी फसलें जो खाने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, कल्टिवेशन किया जाता है, उनको फूड क्रॉप कहते हैं। ऐसी फसलें जो बेचने के लिए किया जाता है, उनको क्रॉप्स कैश क्रॉप कहते हैं। सच इज कॉटन, जूट, शुगर कैन, टी, कॉफी एट्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द कैश क्रॉप प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग इन द फैक्ट्रीज। ओके, नाउ बेटा मेजर क्रॉप्स। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग रैपिडली। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत तेज, रैपिडली मतलब बहुत तेज ही ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो टू मीट देयर डे टू डे नीड्स, तो उन लोगों की ज़रूरत को पूरे करने के लिए जो रोज़ रोज़ की ज़रूरत होती है, ज़रूरत पूरे जैसे खाना है, पहनना है, मेडिसिन हैं, अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। इसलिए जो हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जैसे कुछ वीट खाते हैं, कुछ राइस खाते हैं, कुछ पल्सेस खाते हैं, कुछ मिलेट्स खाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड द पीपल ऑफ फार्मर ग्रो द क्रॉप वेयर द पार्टिकुलर क्रॉप इज ऑन डिमांड। तो वो ऐसी फसलें जो हैं उगाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में होती हैं। सम क्रॉप्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस इंडस्ट्रीज। और कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि एग्रो बेस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कपड़ा है बेटा, कपड़ा इंडस्ट्रीज मीन्स क्लॉथ इंडस्ट्री है, तो उसके लिए कॉटन चाहिए होता है। तो बेटा उन इंडस्ट्रीज की डिमांड को सप्लाई करने के लिए कॉटन उगाते हैं। द क्रॉप्स कैन बी क्लासीफाइड एज अंडर। इन क्रॉप्स को हम बेटा क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स हैं, सीरियल्स में कौन कौन से आते हैं, राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स, पल्सेस, ग्राम, उड़द, मूंग, अरहर एंड मसूर, ऑयल सीड्स, जैसे जो तेल वाले तेल जिससे हमें मिलता है, ऑयल मिलता है वो मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, फाइबर्स जिससे हमें कपड़ा वगैरह मिलता है, कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स, एंड बेवरेजेस मीन्स जो हम पीते हैं वो टी एंड कॉफी। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट राइस। राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। स्टेपल मीन ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादातर लोग खाते हैं राइस। मोर देन 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस मोर देन 10,000 वेराइटीज ऑफ राइस। माई गॉड, मीन्स 100 कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज में 10,000 वेराइटी का राइस निकलता है। मीन्स वेराइटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, और हम लोग तो दो ही तीन जानते हैं बेटा, है ना, बट 10,000 वेराइटी राइस होता है। About 90% of the world rice is produced and consumed in Asia. और जो total 100 का 90% जो rice है वो केवल Asia continent में grow किया जाता है, और Asia continent बड़ा भी है, the largest है। The native place of rice is India. और जो native place मतलब rice आया कहाँ से, वो India से ही product किया गया है। It is used to grow naturally on the foothills of the Himalaya mountains. राइस नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो राइस होता है उसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होगा। इट नीड्स इनफ वाटर, पानी भी इसको ज़्यादा, मीन्स इरीगेशन मीन्स सिंचाई भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेदर फ्रॉम रेनफॉल और फ्रॉम इरीगेशन, चाहे वो पानी इसको रेनफॉल मीन्स बारिश से मिले या आप सिंचाई करके दो, बट rice needs a lot of water to grow properly and give a huge production. The clay loam is the most suitable soil. अब बेटा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी soil है जो rice के लिए suitable होती है, तो ये है clay loam. Rice needs a level land so that water can keep standing for some days in the field. बेटा जो farmer हैं, जो farm पे रहते हैं, जो village में रहते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये मालूम होगा कि बिफोर ग्रोइंग और सोइंग द सीड ऑफ और प्लांट ऑफ राइस वी मेक द सॉइल लेवल, है ना, बाय कल्टीवेटर और अदर इंप्लीमेंट्स। सो बेटा मोस्ट ऑफ द फार्मिंग ऑपरेशंस आर डन मैनुअली, थस इट इज़ वाइडली ग्रोन इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। अबाउट 600 मिलियन टन्स ऑफ राइस इज प्रोड्यूस फ्रॉम अबाउट 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड। सो एशिया अकाउंट्स फॉर
अबाउट 90% ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। जो एशिया कंटिनेंट है बेटा, वो पूरे वर्ल्ड का 90% राइस केवल एशिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है। एंड चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान एंड कोरिया एंड अदर कंट्रीज इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया। तो चाइना बेटा, चाइना इज एट नंबर फर्स्ट, मीन्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज चाइना। देन सेकेंड नंबर पर इंडिया आती है, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, फिर जापान, देन कोरिया, और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया की हैं और साउथ की हैं। अदर मेन प्रोड्यूसर इंक्लूड, और इनमें कुछ और भी कंट्रीज हैं जैसे इजिप्ट है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, USA एंड नाइजीरिया ऑल्सो एट्सेट्रा। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश 2 or 3 क्रॉप्स ऑफ राइस कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। अच्छा, बांग्लादेश और इंडिया के कुछ पार्ट्स जो हैं वहाँ पे एक साल में 2-3 फसलें निकाल लेते हैं, जैसे कि शुगर कैन है, उसके बाद आपने राइस कर दिया, राइस के बाद आपने मस्टर्ड कर दिया, तो ऐसे एक साल में 2-3 फसलें ग्रो कर लेते हैं ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस। अब आपको पता है कि इंडिया में क्लाइमेट जो है बहुत ही वेरी है, मीन डिफरेंट है, सडनली रेनी हो सकता है, सडनली सनी हो सकता है, सडनली क्लाउडी हो सकता है। तो यहाँ इंडिया में बेटा जो फसलों के लिए जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, मीन्स गर्मी आ जाती है एक ही साल में ठंड भी आती है, तो गर्मी में जो है आपका राइस वगैरह निकाल लेते हैं, और ठंड में क्या करते हैं, शुगर कैन वगैरह। तो एक ही साल में क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल है तो 2-3 फसलें निकाल लेते हैं। सो बेटा, टुडे वी विल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स ओनली ऑफ दिस चैप्टर, एंड द फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा। एंड यू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।